दोस्तों आज हम बात करेंगे MLM के बारे में। MLM का मतलब हुआ मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या फायदा है इस मार्केटिंग के अंदर, क्या है इस मार्केटिंग के अंदर, क्यों लोग इस मार्केटिंग के पीछे दीवाने हो चुके हैं। तो आज मैं आपको इस मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि इस मार्केटिंग में ऐसा क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो में आज सारी बातें बताऊंगा MLM के बारे में। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना। आज मैं आपको एक एक चीज बताने वाला इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा, मैं ऐसी टॉपिक वीडियो लेके आता हूं चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, मल्टी लेवल की मार्केटिंग में ये होता है कि आपको वहां पे पहले रजिस्टर होना होता है, ठीक है। आप किसी कंपनी में रजिस्टर हो रहे हो, बहुत सारी कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग की, आप किसी कंपनी में रजिस्टर हो रहे हो कुछ टोकन ऑफ वैल्यू देख मनी देख के, ठीक है। जैसे 5,000 या 1,000 2,000 उनकी जो फीस होती है उसको देख के आप वहां पर रजिस्टर हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने 2,000 रुपये देख के उस कंपनी में रजिस्टर हुए हो, फिर वो आपको बोलते हैं कि आप अपने नीचे किसी बंदे को ऐड करो, ठीक है। 2,000 से रजिस्टर करवाओ, 2,000 से जब रजिस्टर करवाओगे तो वो आपको 500 रुपये पर रजिस्टर का देंगे, या जो भी उनका बना रखा होगा 500 200 या फिर 1,000 रुपये जो भी बना रखा होगा उन्होंने सिस्टम, वो उतना कमीशन वैल्यू आपको देंगे। इसको एक तरह से कह सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, कि आप किसी बंदे को हमारा प्रोडक्ट सेल करवा रहे हो उसका हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये मार्केटिंग वर्क करता है। फिर ये होता है कि जो आपके नीचे वाला बंदा है वो भी अगर किसी को ऐड करवाता है तो उसका भी कमीशन आपको भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा। मतलब समझिए आप, जैसे कि जिस मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आप हो जिस कंपनी में जाकर रजिस्टर हुए हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वाइफ को ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपको भी 500 रुपये कमीशन मिल गया, ओके। अब आपकी वाइफ अपना प्रोडक्ट किसी को सेल करवाती हो, मतलब अपने नीचे अपने डाउनलाइन पे किसी को ऐड करवाती है, तो आपकी वाइफ को भी कमीशन मिलेगा और आपको भी कमीशन मिलेगा, ओके। तो ये इस स्टेज पे वर्क करता है और वो उनका सिस्टम बनाता है कि वो कितने लेवल तक का ये सिस्टम बना के रखते हैं। मैंने तो 5 लेवल तक का भी देख रखा है कि आपकी वाइफ भी किसी को ऐड कर रही है, वो भी नीचे किसी को ऐड कर रहा है, वो भी किसी को नीचे ऐड कर रहा है, तो उनका कमीशन सबको मिलते जाता है और ये कमीशन लेस होता रहता है, 500 400 300 ऐसे इस तरह से डिक्रीज होते हुए ऊपर आता है। ये उनके सिस्टम पे होता है कि वो किस तरह का सिस्टम बना रहे हैं अपने, उनका रूल रेगुलेशन क्या है, तो इस तरह से। लेकिन आप ये सोचो कि क्या डाउनलाइन पे ऐड करना किसी को इतना आसान है? क्या आप खुद एक बार सोचो कि आप किसी कंपनी में 2,000 रुपये देकर रजिस्टर हो गए हो तो आप कितने लोगों को नीचे ऐड कर सकते हो अपने? ज्यादा से ज्यादा 5, बहुत मेहनत करोगे बहुत कोशिश करोगे 10, ठीक है। अपने परिवार में किसी को ऐड कर दिया, 10 लोगों को ऐड करोगे 2,000 फीस देख के, कितना हुआ? 20,000 हो गया। फिर भी अगर आपने अपने नीचे 9 लोग काउंट होंगे आपके नीचे, ठीक है, 10 तो 10 में 10 लोगों का अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको लेके अगर 10 लोग हैं तो 9 काउंट होंगे, अगर आपके बाद 10 लोग हैं तो 10 काउंट होंगे, ठीक है। तो उन 10 का कमीशन कितना मिला आपको? 5,000। आपने 20,000 उस कंपनी को दिया और आपकी अर्निंग कितनी हुई है? 5,000 रुपये, ठीक है, समझे आप। तो भाई यहां पे बात ये आती है कि आप किसी कंपनी को 20,000 देके और आप उसे 5,000 रुपये अर्न कर रहे हो, ठीक है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे। और दूसरा एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि मान लो आज इंडिया की बहुत सारी कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी भी हो चुकी है जो MLM करती है, ओके। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जो अपना प्रोडक्ट सेल कराती है उनके ग्रोसरीज प्रोडक्ट भी होते हैं, मेडिसिन भी होती है, या फिर कह सकते हैं एनर्जी ड्रिंक होती है, वो सब भी ऐसा MLM करवाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल में बताऊँ, ठीक है, कि जैसे कि मैं ग्रोसरीज का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है ग्रोसरीज की, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, ओके। वो अपने डाउनलाइन पे लोगों को ऐड करवाती है, MLM करवाती है, उसके बाद उनको टारगेट देती कि आप खुद भी प्रोडक्ट परचेस करो हमारा और दूसरों से भी परचेस करवाओ। मतलब अगर आपको उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं है तब भी आपको अपने लिस्ट में उसको ऐड करना होगा, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे, मान लीजिए मुझे डाबर का प्रोडक्ट पसंद नहीं है या मुझे पतंजलि का प्रोडक्ट पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पतंजलि मुझे बोले कि अगर आपको पतंजलि में पैसा कमाना है तो आपको भी पतंजलि परचेस करना पड़ेगा और औरों से भी परचेस करवाना पड़ेगा। अब औरों से तो करवा लूँ मैं लेकिन खुद क्यों करूँ अगर मुझे पसंद नहीं है तो? ये तो मेरे पर जबरदस्ती प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तुम्हें भी यूज़ करना पड़ेगा, ये गलत चीज़ है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है कि आपको भी परचेस करना है और दूसरों से भी परचेस करवाना है। और यहाँ पे जिस लेवल का मेहनत लगता है, जिस लेवल का मेहनत लगता है, उस लेवल की मेहनत में तो इंसान खुद की कंपनी बना सकता है, खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस खोले और अपने बिजनेस में इतना मेहनत करे तो उससे ज्यादा कमाएगा और उसका फेम बनेगा। ठीक है, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो एमएलएम के अंदर, ठीक है, किस कंपनी को आप आगे लेके जा रहे हो, उस कंपनी को वही मेहनत अगर आप अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में मेहनत करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो करता। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि आपको सपना दिखाते हैं कि एमएलएम को अपना बिजनेस समझो। भाई क्यों समझू मैं अपना बिजनेस, वो बिजनेस मेरा थोड़ी ना है, वो कंपनी का बिजनेस किसी और का है, मैं वहां पे एक काम कर रहा हूं तो उसको मैं अपना बिजनेस क्यों समझू। यहाँ पे लोग ऐसे ही अपन को बेवकूफ बनाते हैं कि एमएलएम को अपना बिजनेस समझ के जाओ, एमएलएम को अपना बिजनेस समझ के काम करो। एमएलएम के अंदर बिजनेस क्यों समझा जाए, कैसे समझ सकते हैं अपना बिजनेस, आप खुद बताओ। इसलिए कि हमारा प्रोडक्ट हम किसी को बेचवा रहे हैं, अपना डाउनलोड वाले वर्क कर रहे तो हमारा बिजनेस हो गया, ये कोई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस वो होता है जिसमें हमारा फेम बनता है, हम आगे जाते हैं, हमारी कंपनी आगे जाती है, मेरी कंपनी आगे जाती है, उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, वो कंपनी जो मेरे नाम पर रजिस्टर हो उसे बिजनेस कहते हैं, वो कंपनी ने जिस किसी और के नाम पर रजिस्टर हो और उस प्लानिंग के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, वो कंपनी आगे जा रही है तो मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरा बिजनेस है, ऐसा नहीं होता। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ तो वो भी एक बिजनेस है, तो क्या मैं उसको बोलूँ कि वो स्कूल मेरा बिजनेस है, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस वही होता है असली जो हम करते हैं, हम अपने कंपनी को आगे ले जाएंगे। और एमएलएम की खास बात मैं आपको बताता हूँ, एमएलएम के अंदर कौन वर्क करता है, एमएलएम के अंदर वो बंदे वर्क करते हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में जाते हैं। होता क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो बड़े बड़े शहरों में बसी हुई है और बड़े बड़े शहरों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो बच्चों को पकड़ा जाता है, बच्चों को इस चीज का शिकार बनाया जाता है। इस चीज का शिकार कैसे मैं बोल सकता हूँ, कॉलेज के बाहर वो आके खड़े हो जाते हैं और कॉलेज के बाहर ही आके वो एडवर्टाइज करते हैं, अपने बच्चों को पकड़ते हैं जॉब के लालच देके। बच्चे को, हर बच्चे को जॉब चाहिए होता है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे 5-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए, घर बैठे बैठे मैं काम कर लूँ। वो वर्क फ्रॉम होम का ऑफर देते हैं, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि आप ये काम घर से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूँ कैसे किया जा सकता है एमएलएम, मतलब उसके लिए फील्ड में भी जाना जरूरी है, लोगों से मीटिंग करना जरूरी है, कन्विंस करना जरूरी है, कितनी सारी मेहनत लगती है इसके अंदर। मानते हैं कि इस काम को करने से आपकी कम्युनिकेशन ऑफ स्किल बहुत अच्छी डेवलप होती है, पर भाई इस काम को करके आप लोगों को चूतिया बना रहे हो। ठीक है, हमें लोगों को चूतिया बनाना पड़ता है, हमें यहाँ पे उन्हें झूठे सपने दिखाने पड़ते हैं कि आप यहाँ पे काम करके बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ऐसा ही वो आके कहते हैं कि आप बहुत ही जल्दी, बस आपको एक बार यहाँ पैसा लगाना है, उसके बाद 5 साल बाद आपके घर में बीएमडब्ल्यू होगी। क्या बीएमडब्ल्यू की औकात इतनी नीचे है कि हम 5 साल काम करेंगे और बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं? नहीं, इतनी भी कम वैल्यू तो नहीं है बीएमडब्ल्यू की। बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए लोगों को सालों सालों जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, बीएमडब्ल्यू खरीदना इतना आसान नहीं है, बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए कभी भी एमएलएम का शिकार मत हो। कोई भी अगर आपको बेवकूफ बनाता है कि एमएलएम ज्वाइन करो, एमएलएम में सपना दिखाता है कि एमएलएम में ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा वो पहले वो खुद तो मोटिवेट हो जाए। दूसरे को क्या मोटिवेट कर रहे हो, दूसरे को मोटिवेट नहीं कर रहे, उस मोटिवेट की बातों को लेकर उनको चूतिया बना रहे हो। ठीक है, तो चूतिया मत बनाओ किसी को भाई, किसी का पैसा लगा के तुम किसी और कंपनी को अमीर बना रहे हो, उस कंपनी को आगे बढ़वा रहे हो। तुम चंद रुपए के लिए 2,000 रुपये रजिस्टर करवाओगे, उसका आपको सिर्फ 500 रुपये कमीशन मिलेगा और आप उसका 1,500 रुपये डुबा रहे हो। मैंने खुद ऐसी कंपनी को जानता हूँ जो 10,000 रुपये लेती है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और आपको सिर्फ 500 रुपये कमीशन मिलता है। 10,000 रुपये वो बंदा दे के रजिस्टर होता है और आपको सिर्फ 5,000 रुपये कमीशन मिलता है उसका पर ज्वाइनिंग का। भाई क्यों उस बंदे का 10,000 रुपये खराब कर रहे हो सिर्फ अपने 500 रुपये के लिए, मत करो ऐसा। पैसा कमाना है तो मेहनत से कमाओ, अपना बिजनेस ग्रो करो, किसी और का बिजनेस मत ग्रो करो जिसमें आपको सिर्फ चंद कमीशन मिले। ठीक है, और जो बच्चा कॉलेज में जाता है वो बहुत सपने लेके जाता है। ठीक है, अब शुरुआत में ही अगर आप उसे इस काम में फंसा दो, इस चीजों का शिकार बना दो, फिर तो आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी। मैं जानता हूं मुश्किल से एमएलएम के अंदर 100 में से 1 बंदा सक्सेस हो सकता है, एक बंदा ही निकल सकता है। ठीक है, किसी को कन्विंस करना, किसी को सही तरीके से बोले तो किसी को चूतिया बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं कि हर किसी को जाके चूतिया बना सके। ठीक है, एमएलएम के अंदर अगर किसी को अपने डाउनलाइन पे ऐड करना होता है तो उन्हें उसे चूतिया बनाना पड़ता है। माफ करना इस ये शब्द यूज करने के लिए, लेकिन मैं सही कह रहा हूं,
एमएलएम के अंदर सिर्फ चूतिया पाए, सही चीज कुछ भी नहीं है। मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का विरोध करता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, दूर रहो उसे। अगर आपको सच में ही अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करना है, स्ट्रांग करना है, तो वीडियो बनाओ ना, यूट्यूब पे आओ, यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकते हो। अच्छे से यहाँ पे जितना ज़्यादा वीडियो बनाओगे उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। घर में इंग्लिश से बात करो, फ्रेंड्स से इंग्लिश से बात करो, अगर आपको कम्युनिकेशन सीखने का इतना ही शौक है तो। लेकिन किसी को चूतिया बना के अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप मत करो भाई, स्ट्रांग मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इस टॉपिक पे और वीडियो लेके आऊंगा, मैं विद्रॉ करूंगा इस चीज़ का कि एमएलएम गलत है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे आपसे मैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।